नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्ट ईयर देख रहे हैं कांग्रेस नेता पप्पू यादव, जिन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया था कांग्रेस में। अब वे कह रहे हैं कि अब जान देना पड़ेगा, अब पूर्णिया से नहीं अलग होंगे, पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें, कल ही बीमा भारती को टिकट मिल गया है और बीमा भारती ने जेडीयू का दामन छोड़कर कुछ दिन पहले ही आरजेडी का दामन थामा था, लेकिन उसके बाद भी अब जब पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला है, बीमा भारती को टिकट मिल गया है। उन्होंने कहा भी है कि वो 3 अप्रैल को नामांकन करेंगी, नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। पूर्णिया से आरजेडी का टिकट फाइनल हो गया है, बीमा भारती का, लेकिन पप्पू यादव क्या करेंगे? पप्पू यादव है कि मधेपुरा और सुपौल जाने को तैयार नहीं है। हमने उनसे खास बातचीत की है, किसने धोखा दिया है, खंजर मारा गया इस समय में, अब तो आत्महत्या करने की नौबत आ रही है। पप्पू यादव ने सब कुछ कहा है, जरा सुनिए हमसे बातचीत के दौरान पप्पू यादव का ये अलग अंदाज। नमस्ते पप्पू यादव जी, मैं आलोक कुमार बोल रहा हूँ लाइव सिटीज से। आलोक बाबू, अभी किस चार्ज के नहीं, आपको संदर्भ अच्छा नहीं है। आपने एक वीडियो में कहा, हमने आपका वीडियो सुना है, कि आप पूर्णिया में ही जिएंगे, पूर्णिया में ही मर जाएंगे। तो पूर्णिया तो आपकी माँ है ना, आप मानते हैं ना? इसमें कौन बात है भैया जी, बिहार मेरी माँ है, बिहार के नहीं, देश के लोग सिर्फ पूर्णिया को देख रहे हैं। हर चैनल, हर मीडिया, हर लोग, हर जाति, हर वर्ग, हर पार्टी के लोग पूछ रहे हैं कि पूर्णिया में क्या हुआ जी, पूर्णिया में क्या हुआ, पूर्णिया में क्या हुआ, पूर्णिया में क्या हुआ। अब पूर्णिया के बारे में हर लोग, बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, देश के बाहर जो लोग बैठे हैं वो पूछ रहे हैं पूर्णिया में क्या हुआ जी। अब अंदाजा कीजिए कि क्या रिश्ता है। नहीं, मुझे याद है कुछ दिन पहले जब आपने लालू यादव से मुलाकात की थी, आपने मुझे इंटरव्यू भी दिया था, आपने कहा था कि लालू यादव आपके अभिभावक समान है, आपके पिता तुल्य हैं। आज भी है, आगे भी रहेंगे, तो लेकिन आपसे कोई मतलब नहीं। वो क्या, लेकिन सामने से कोई बात हो तब बीच में कोई कुछ व्यक्ति ने पीछे छुरा भोंक दिए तो सर कैसे पता चलेगा कि बीच में कोई खंजर भोंक दिया। तो अभी आप मान रहे ना कि आपको पीठ में खंजर मारा गया? कुछ लोगों की साजिश होगी कि लोग पीठ में खंजर हमेशा मार लें। भाई पप्पू यादव से किसी को क्या मतलब, क्या तकलीफ, कहाँ है सीमांचल जो कांग्रेस की जमीन है, कांग्रेस के लिए माँ की तरह है और मेरे लिए ये भगवान की तरह है जी। तो सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल में तो कांग्रेस सबसे नंबर वन रहती थी जी। अब बहुत हमारा तो दायित्व है कि जिस विचारधारा के साथ हम जुड़े हैं, जिस आस्था के साथ मेरा समर्पण है जिस परिवार के प्रति, उस कांग्रेस को माँ की तरह आगे बढ़ाना। और यदि कोई सीमांचल में हमारी जमीन में आकर के कोई आग दिखा है तो मुझे लगता है कि फिर जिंदा रह के क्या फायदा। नहीं तो आपको तो माँ भारती भी आज कह रही थी कि आप उनके बड़े भाई की तरह अभिभावक। देखिए, मैं किसी चीजों में नहीं जाना चाहता। कृष्ण ने अर्जुन की पात्रता को चुना था ना जी, गंधारी के पुत्र को तो चुना नहीं जी। इसीलिए मेरा बिल्कुल साफ है, जतो सतम जतो धर्म ततो जय। जहाँ पर भगवान रूपी पूर्णिया है, मेरी दुनिया वही है, मेरी जिंदगी वही है। हम हर व्यक्ति का बच्चों के घर की तरफ प्यार करते हैं। जब भी कोई घटना घटित होती है या संकट की बात आती है, वहाँ एक परिवार की तरह हम खड़े रहते हैं जी। उसमें कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ जी। आपने पूर्णिया को प्रणाम पूर्णिया कहा, अपनी माँ को प्रणाम कहा, सलाम पूर्णिया जी, पूर्णिया को प्रणाम पूर्णिया ही नहीं, सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया, सब पूर्णिया। लेकिन ऐसे पूर्णिया में क्या है, आप तो मधेपुरा भी लड़ सकते हैं, सुपौल। मैंने पहले कह दिया कि मैं बिहार में कहीं भी लड़ सकता हूँ जी। सिंगल सीट है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की, पूरे देश में 4-5 सीट ऐसी है जिसमें 5वें नंबर पर, 4वें नंबर पर पूर्णिया सीट है, जहाँ पर 10 बजे जनता जिता देगी, 11 बजते में। तो कहीं भी हम जा सकते हैं, लेकिन जिस पूर्णिया ने कभी हमको अलग नहीं किया, मेरी माँ को अलग नहीं किया, मुझको अलग नहीं किया, और 20 साल में किसी को कैंडिडेट नहीं मिलता है 10 साल में, कोई पूर्णिया में कोई न्यूली चीज नहीं होती है, और सबको एक ही सपना उम्मीद होता है पप्पू यादव, जहाँ से सारे रास्ते बंद होते हैं वहीं से पप्पू यादव के रास्ते शुरू होते हैं। एक उम्मीद हूँ मैं अपने घर का, अपने परिवार का, तो जो एक सपना हो अपनी माँ बहन बेटियों का, जो मुस्कुराने का, खुशियों का एक ही सपना सारे
लोगों का, और पप्पू उसका बेटा, उसके बाद हमें आप हमको बताइए। नहीं, जिस तरह से बीमा भारती को सिंबल मिल गया, तो आप मानते हैं कि आपके साथ धोखा हुआ, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी आपको कहा था आप ज्वाइन कर लीजिए? नहीं, इसमें मैं खुद ही महसूस करता हूँ कि मेरी पूजा में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे तो आश्चर्य हुआ, मैं इतना आहत आज तक दुखी नहीं कभी हुआ, मेरा मन परेशान हो गया जी। मैंने आज तक, हम इतने, हमारी भी उम्र 58 साल की है, लेकिन हमसे किसी को क्या बैर भाई। मैं तो सब आदमी की इज्जत करता हूँ, कांग्रेस में आया तो हम सभी जगह गए, हम किसी चीजों में कमी नहीं रखते, हम सबकी सम्मान करते हैं, हमसे किसी को, किसी से किसी को बाइफर्केशन हो सकता है, तो मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, न 3 में न 13 में न किसी आइडियोलॉजी में, सारे जाति धर्म वर्गों के आइडियोलॉजी का, उसके अधिकार का सम्मान करता हूँ, उसको भगवान मानता हूँ, वर्कर मेरे लिए जिंदगी है। तो अब आप सोचिए ना, मेरे साथ जो ठुना इस तरह की भावना, आपने तो हम समझ सकते हैं कि आपके दिल पर चोट लगी है, हम मान रहे हैं इस बात को, लेकिन आप मानते हैं कि ऐसे इंडिया अलायंस लड़ेगा, आपस में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति होगी तो फिर कहीं नहीं जीत पाएंगे? इंडिया अलायंस तो राजा जी की पत्नी राहुल गांधी जी के खिलाफ, अगले बार इंडिया गठबंधन सीमान में तो फ्रेंडली फाइट हुआ था, इस बार अभी भी यूपी में तो फ्रेंडली फाइट हो रहा है, तो आप इसको देखिए ना, अभी अभी फिर सीमान में फ्रेंडली फाइट हो रहा है। मेरा सवाल वो है, मेरा सवाल सीधा है कि जिस पूर्णिया को 1 साल के तुझ से हम, जिस पूर्णिया की माँ बेटियों ने, बुजुर्गों ने, युवाओं ने रात के ठंडी में जगजग करके रोड पर खड़ी थी, आप हमको बताइए ना कि आप ऐसे समय में आप हमको आप राजनीति से ही सेवा नहीं होती है ना? हम तो MP MLA के पद पर नहीं थे, तो हम कोरोना में पूरे देश की सेवा की है, बाढ़ में पटना की सेवा की, राजधानी की सेवा की, हर संकट में देश में रहते हैं, तो पद होना जरूरी नहीं है। हमारी जो आस्था और हमारा जो गंभीर समर्पण है, वो पूर्णिया जिसको मैं भगवान मानता हूँ, इससे हमें अलग करेगा तो आत्महत्या, हम यदि पूर्णिया की आस्था और विश्वास पर ठेस पहुँचाए तो मरना ही ना पड़ेगा, मतलब आत्महत्या ही ना करनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि आत्महत्या वाली स्थिति आ गई है आपकी? बिल्कुल, आप इसको उठाके देख लीजिए कि पूर्णिया को आप हमसे छीनिएगा, मेरी माँ से बच्चों को छीनिएगा, तो मरने के अलावा क्या बचता है मेरे पास? मेरे पास जीने और मरने के लिए सिर्फ आप पूर्णिया है, मेरे पास दुनिया में अब कुछ नहीं है। यदि किसी के माँ को, हाँ, आप इसको समझ लीजिए, मुझे मेरी माँ से, मेरे परिवार से, बेटियों से, मेरी बहनों से कोई अलग नहीं कर सकता, आप इसको जान लीजिए। मेरा अंतिम सवाल यह है, पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार है पूर्णिया से? ये तो पार्टी नेतृत्व कोई का दायित्व, उसमें पप्पू कहीं नहीं आता, फैसला उन्हें लेना है। मैं उन विचारधारा और उस आस्था, उस विश्वास के साथ खड़ा हूँ, पार्टी जो फैसला करेगी, मैं सच्चे सिपाही की तरह, कांग्रेस मेरे लिए मंदिर हो गया, हम जैसे भी जिस हाल में है, हमारा जीवन अब कांग्रेस के साथ चले। तो पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट नहीं मिला है जैसा दिख रहा है, क्या यहाँ पर फ्रेंडली फाइट होगा, देखना होगा क्या कांग्रेस और RJD दोनों ही यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं हो पाया है। उम्मीद है आज देर शाम तक यहाँ पर सीट शेयरिंग की बातें क्लियर हो पाए, क्या दिल्ली में ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी या तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे तो घोषणा होगी, क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव से पप्पू यादव की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद पप्पू यादव ने क्या कहा है उनसे मुलाकात करने के बाद, क्योंकि अब ये कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, कांग्रेस में उन्होंने अपनी पार्टी जनाधिकार पार्टी का विलय कर दिया है, लेकिन फिर भी उन्हें अब टिकट नहीं मिल रहा है ऐसा दिख रहा है, अभी तक बीमा भारती को सिंबल मिल गया RJD से, तो क्या कांग्रेस भी पप्पू यादव को टिकट दे देगी? उन्होंने कहा है चुनाव लड़ने के सवाल पर कि जो पार्टी नेतृत्व तय करेगी वो मैं करूंगा, या फिर पप्पू यादव सुपौल या मधेपुरा कहीं दूसरी जगह से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पूर्णिया छोड़ने के इरादे में दिख नहीं रहे पप्पू यादव। क्या कुछ कहा है लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव पर, आपने सुना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।